नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है, जहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच में भिड़ंत हुई है। मामला लखीसराय के बूथ संख्या 222 और 23 की है। दरअसल यह बूथ लखीसराय के रामपुर गांव में पड़ता है, जहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच विवाद हुआ है। विवाद के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल जो जानकारी मिल पा रही है कि वोट देने को लेकर के विवाद शुरू हुआ। इसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस पर उग्र लोगों ने पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, लाठियां बरसाई हैं, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। उसमें उस गांव के सरपंच जो हैं उनको चोट लगी है। वहां के डीएम, जो लखीसराय के डीएम, वहां पर पहुँच गए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पूरे प्रकरण में जो है कहीं ना कहीं आपसी जो जिला प्रशासन की कोऑर्डिनेशन की कमी थी, उस कमी की वजह से वहां पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में कई लोगों को चोटें आई है। हालांकि डीएम ने कहा है, वहां लखीसराय के डीएम ने, कि कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। तो आप तस्वीर देखिए या वीडियो देखिए किस तरीके से झड़प के बाद पुलिस उग्र हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लोगों को पीटा है। हालांकि जो वहाँ के ग्रामीण हैं उन लोगों का कहना है कि वे लोग इस तरह का कोई हंगामा नहीं कर रहे थे, लेकिन छोटी बात को लेकर के पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई लोगों को चोटें आई हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।